हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस। मेरा नाम है सूरज और आप सभी का आपके चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सा अगर पीछे से आवाज़ आए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि थोड़ा सा नॉइज़ पॉल्यूशन है, इसकी वजह से थोड़ा सा आवाज़ आएंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप यूट्यूब पर डेली काम करते हो, अच्छे खासे कंटेंट डालते हो, तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब ने अपडेट में अपना जो दोस्तों वर्जन है वो चेंज कर दिया था। जैसे कि आपको पता है क्लासिक स्टूडियो था तो वो हटने वाला था, उसके जहाँ पर बीटा स्टूडियो आ गया था, लेकिन क्लासिक स्टूडियो हटा नहीं था, उस पर भी हम लोग काम कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, आज के दिन 21 अप्रैल के टाइम में वो हटा दिया है। तो दोस्तों, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अब YT स्टूडियो में अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि अब बीटा स्टूडियो में अब क्लासिक स्टूडियो कोई जगह नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अभी बहुत से ऐसे क्रिएटर है, यूट्यूबर है, जो बीटा स्टूडियो को पूरी तरह नहीं जानते। तो अगर आप बीटा स्टूडियो को अच्छी तरह नहीं जानते हो, अगर आपको अच्छी तरह यूज करना नहीं आता है, तो आप सीख लो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। इसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा सब दिया हुआ है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्योंकि अगर बीटा स्टूडियो की बात करें तो उसमें बहुत उल्टा सीधा काम दिया गया है। एंड क्लास स्टूडियो था तो उसमें सब कुछ सिंपल था, लेकिन बीटा स्टूडियो में थोड़ा सा टेढ़ा सोया काम दिया गया है, ठीक है? तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं गाइस अपने क्रोम ब्राउज़र में, अपने चैनल पर। वहाँ चल के आपको दिखाएंगे कि अब मेरे जो बीटा स्टूडियो है वहाँ पर YT जो मेरे बीटा स्टूडियो है वहाँ पर गाइस अब क्लासिक स्टूडियो नहीं शो कर रहा है। तो आइए चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, इस टाइम हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर हैं, ठीक है? तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ पर चल के आपको मैं दिखाऊँगा अपना यूट्यूब चैनल, जहाँ पर अब शो नहीं कर रहा है क्लासिक स्टूडियो। तो आइए चलते हैं, आपको लेकर हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र में। सो दोस्तों, ये है मेरा क्रोम ब्राउज़र। जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने मेरा जो चैनल है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो आपका भी जो चैनल है, आपका जो भी चैनल है दोस्तों, वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको कैसे, मतलब कि इसको देखना है कहाँ शो करता था पहले, तो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मेरा जो चैनल है वो ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊँगा, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, या गाइस नीचे देखोगे, ये देख रहे दोस्तों आप ये देख रहे हो। तो अब यहाँ पर जो दोस्तों स्टूडियो YouTube स्टूडियो का उपयोग के लिए धन्यवाद, ठीक है? तो अब यहाँ पर गाइस क्या होगा कि आप क्लासिक स्टूडियो नहीं देख सकते, क्लासिक स्टूडियो का ऑप्शन ख़त्म हो गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, वापस स्टूडियो में जाएं। आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर जो ऑप्शन दिया गया नीचे दोस्तों, अगर उस पर आप क्लिक करते थे तो डायरेक्ट आप क्लासिक स्टूडियो में चले जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब जब क्लिक करोगे तो अब वापस अपने बीटा स्टूडियो में ही जाओगे, मतलब जो नया है उसमें ही जाओगे, अपने इस पुराने वाले में नहीं जा पाओगे। तो दोस्तों, अब चेंज हो गया है, आप लोग सीख लो, बहुत ही ज़रूरी सीखना है दोस्तों। अगर नहीं सीखे हो तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकती है। सो दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतनी कुछ आपको बताना था। हम आशा करते हैं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।